दोस्तों, ये है हमारा सदाणी दरबार, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आइए देखते हैं इसके कुछ और नज़ारे। दोस्तों, आज हम आए हैं सदाणी दरबार रायपुर में, और एक काफ़ी अच्छा प्लेस है, मंदिर है, और यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आइए कुछ और देखते हैं आपको, और देखते हैं और दिखाते हैं। और ये हम अंदर दरबार में जा रहे हैं, जहाँ मैंने यहाँ स्थापित हैं, और वहीं बहुत सारी मूर्तियाँ, और इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ चारों तरफ ही उजाला है, उजाला क्योंकि चमक है बना हुआ है। और दोस्तों, मंदिर के राइट साइड में ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये मूर्तियाँ देखने में ही काफ़ी खूबसूरत हैं, और यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। कहा जाता है कि यहाँ हर वर्ष यहाँ बहुत ही सुंदर और अच्छा नृत्य गान होता है, और मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, पूरे रायपुर के लोग यहाँ आते हैं, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ आकर के इस दरबार में अपनी मांग करते हैं, और इसके चारों तरफ। दोस्तों, अभी टाइम अभी शाम के 5 बजे हुए हैं, और हम लोग यहाँ आए हैं, और मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा है, और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, जगह है, मंदिर है, सब कुछ है। आइए कुछ और देखते हैं साइड, काफ़ी यहाँ पास मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये तरह आप देख सकते हैं। और मैं देखा तो नहीं हूँ, और ना ही मैं था, लेकिन कहा जाता है कि यह 100-200 वर्ष पहले बना हुआ है, और इसकी जो चमक है, इसकी जो खूबसूरती है, अभी भी वैसी की वैसी ही है। इसके लेफ्ट साइड में स्कूल भी बनी हुई है, बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये माता जी हैं, ये यहाँ पास राम लक्ष्मण सीता जी की ये रथ है, इसे बैठे हुए हैं, और इस साइड ये हाथी है, एलिफेंट। और बाओ यार, ये क्या चीज है, आओ सोनू, और सब मुझे जगह मेरी बहन लेके आई है, ये मेरी बहन लेके आई है मुझे यहाँ, और उसका बहुत बहन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए कुछ और देखता हूँ, इस साइड आता हूँ, और ये आइए, ये देखिए, वाओ कितना अच्छा बना है। दोस्त, हमें जाना पड़ा दिखाने के लिए आप सबको, ये देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे प्लेस से रूबरू कराते रहेंगे, अपने भाई को अपना प्यार अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। आप शब्द हैं तो हम अर्थ हैं, आपके बिना हम व्यर्थ हैं, आप सबके प्यार के बिना हम अधूरे हैं, और अधूरा ही रह जाएंगे। धन्यवाद। Huh?